ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और साथ में कैच मेमोरी। ठीक है, तो दो टॉपिक हमारे पास है आज के लेक्चर में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि मेमोरी की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ठीक है, और उसके अंदर स्टेटिक और डायनेमिक क्या होता है एक्जैक्टली, वो भी मैंने आपको वहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब मेमोरी के अंदर जो भी हमारी रैम रहती है, ठीक है, रैम के अंदर भी अलग अलग तरीके की जो भी चिप रहती है उसको ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया जाता है, और उसके स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी को किस तरीके से अलोकेशन की जाती है। ठीक है, मतलब डेटा मुझे देना है तो किसको कितना डेटा देना है, वो हार्डवेयर या चिप या उसका जो एड्रेस वो किस तरीके से चेक करता है, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद है कि कैच मेमोरी मतलब हमारी जो रोम है मतलब रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, उसके अंदर जो भी हमारा डेटा रहता है, जो स्टैटिक डेटा रहता है, वो कैच के अंदर किस तरीके से स्टोर रहता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। ठीक है, तो उसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं कि हमारे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या रहती है। ठीक है, उसके अंदर स्टैटिक और डायनेमिक इन दोनों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम कैच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब मेमोरी हमारी जो भी रहती है उसको उसके अंदर जो भी एरिया रहता है उसको तीन अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेमोरी है उसके अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं कि रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और यहाँ पर भी जो भी दोनों हमारी दोनों तरीके की मेमोरी रहेगी उसके अंदर ये दोनों तरीके के डेटा रहते ही है, मतलब उसके अंदर भी फर्दर डिवाइडेड डिवाइड होता है सारा एरिया। उस एरिया को तीन तरीके से अलग अलग नाम दिए जाते हैं, स्टेटिक, स्टैक और हीप। ठीक है, जो भी हमारी मेमोरी रहती है उसके अंदर फर्दर तीन तरीके के एरिया रहते हैं, उसके यहाँ पे स्टेटिक बोला जाता है, स्टेटिक, स्टैक और हीप। ठीक है, यहाँ पे जो भी तरीके का आपको हीप दिया गया उसको डेटा स्ट्रक्चर से साथ ज्वाइन नहीं करवाना, ये अलग होता है सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू थ्री एरिया फर्दर, मतलब हमारी जो रैम है या रेम रैम है दोनों को अलग अलग दोनों को उसके अंदर भी तीन एरिया के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर नॉट रिलेटेड टू हीप सॉर्ट मतलब जो भी हमारी हीपिंग डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हीप का कॉन्सेप्ट आता है उसके साथ इसको ज्वाइन नहीं किया जाता, ये हीप का कॉन्सेप्ट सिर्फ मेमोरी के रिलेटेड ही है और अलग ही है सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, और उसके अंदर किस तरीके से डेटा को स्टोर किया जाता है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है, ईच एरिया होल्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल, मतलब हर एक एरिया जो भी यहाँ पे तीन एरिया दिया गया है उसके अंदर जो भी डेटा रहता है, जो भी वेरिएबल रहते हैं, उस तीनों को अलग अलग तरीके से होल्ड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है स्टेटिक, होल्ड अ पैकेज लेवल वेरिएबल, मतलब हमारे पास जो भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल आते हैं, ठीक है, उसको फिक्स करने होते हैं, तभी हमें पैकेज के अंदर जो भी हमारा फाइल रहती है उस फाइल के अंदर जो वेरिएबल रहते हैं वो स्टेटिक रहते हैं, उसको यहाँ पे पैकेज के फॉर्म में लिया जाता है। इन सी एंड सी प्लस प्लस वेरिएबल डिक्लेयर एज ए स्टेटिक आर डिक्लेयर हियर, मतलब जो भी सी और सी प्लस जिस भी तरीके की कोडिंग आप कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर जो भी आपके वेरिएबल दिए गए हैं उस वेरिएबल को आप यहाँ पे जो भी डेटा रहता है वो स्टेटिक नाम के पैकेज के अंदर होल्ड करवाता है। फिर उसके बाद है स्टैक। ठीक है, तो स्टैक किस तरीके से यूज करता है, जिसके अंदर जो भी हमारा जो भी प्रोग्राम रहता है, जो भी हमारी फंक्शंस रहती है, उस फंक्शन के अंदर जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसे स्टैक के अंदर स्टोर किया जाता है और लाइन टू लाइन किया जाता है। जैसे कि आपने इंटीजर ए बी सी दे दिया तो ए ऑलवेज लास्ट में होगा, फिर उसके ऊपर होगा सी और उसके ऊपर होगा, मतलब एक बॉक्स के फॉर्म में सारा डेटा स्टोर रहता है। फिर उसके बाद रहता है कि हीप। ठीक है, तो हीप के अंदर जो भी डेटा जो भी वेरिएबल रहता है वो उसका नाम नहीं रहता, मतलब जो भी वेरिएबल आप दे रहे हो, ठीक है, जो भी डेटा आप स्टोर करवा रहे हो उस डेटा का कोई नाम नहीं रहता। फिर उसको क्या करता है कि पॉइंटर की मदद से लोकल वेरिएबल को एक्सेस किया जाता है, मतलब पॉइंटर वेरिएबल इज यूजुअली अ लोकल वेरिएबल, मतलब उसके अंदर जो भी डेटा रहता है वो पॉइंटर की मदद से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। जैसे हमने पॉइंटर नाम का किसी भी लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब पॉइंटर के अंदर हम क्या करना होता है, किसी भी तरीके का वेरिएबल होता है तो उस वेरिएबल को एड्रेस होता है वो पॉइंटर के अंदर स्टोर करवाना रहता है, मतलब जब भी मैं पॉइंटर को कॉल कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल के अंदर जो डेटा रहता है उसको एक्सेस करेगा, मतलब पॉइंट करता है, मतलब उसका कोई नाम नहीं रहता, मतलब वो जो सारा डेटा एक हीप के फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके के फर्दर एरिया डिवाइड किए गए, तो किसके अंदर किस तरीके का डेटा होता है, स्टेटिक के अंदर
पैकेज लेवल का मतलब बहुत सारा डेटा जो फिक्स रहता है, ठीक है, उसके अंदर हम बार बार वैल्यू इनिशलाइज नहीं कर सकते, उस डेटा को स्टैटिक बोला जाता है। स्टैक मतलब फंक्शन के अंदर जो भी रहता है डेटा रहता है, या फिर प्रोग्राम के अंदर जो आपका डेटा रहता है, ठीक है, किसी प्रोग्राम को आपने बनाया है, उस प्रोग्राम के अंदर जो भी वेरिएबल आप बना रहे हो वो स्टैटिक नहीं है, तो उसको लोकल मतलब स्टैक के अंदर स्टोर किया जाता है। फिर एक हीप, अगर किसी पॉइंटर किसी नॉर्मल वेरिएबल को आपने पॉइंटर के अंदर डिफाइन किया हुआ है, तो अब उस वेरिएबल के अंदर डेटा को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर का यूज़ मतलब उसका नाम नहीं रहता, इस हीप कॉन्सेप्ट से उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है कि नॉट नॉट डेट द मेमोरी कैन बी अलोकेटेड मेनी टाइम्स, मतलब मेमोरी बहुत मेमोरी किसी को भी देनी होती है तो बहुत सारा टाइम ले लेता है, बहुत सारे टाइम ले लेता है उस वेरिएबल को डेटा या उसको नाम देने के लिए, ठीक है। फिर लिखा है कि वी यूज टर्म वेरिएबल टू रिफर, मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके की जो भी वैल्यू रहती है उस वैल्यू को, उस कौन सी वैल्यू हमने स्टोर करवाई हो मुझे पता नहीं है, मुझे उसको एक्सेस करना है तो उसके वेरिएबल के नाम के थ्रू ही एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेमोरी उस एड्रेस का नाम डिफाइन कर देती है, भाई ये जो हमारा लोकेशन है, जो भी एड्रेस है, उस एड्रेस को ये वन टाइप ऑफ क्या दे देती है, वेरिएबल नेम। तो कभी भी डेटा को एक्सेस करना है तो मुझे उसके वेरिएबल के नेम के थ्रू मतलब उसके वेरिएबल रिफर उसके एरिया के थ्रू मुझे एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती है यहाँ पे, कि उसका जो एड्रेस रहता है एज अ उसका वेरिएबल का नाम ही रहता है, ठीक है। तो उसके वेरिएबल के नाम के अंदर उसका एड्रेस बाय डिफॉल्ट स्टोर होता है, दोनों एक दूसरे के साथ वाइस वर्सा यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मेमोरी के अंदर भी फर्दर डिवाइडेड किस तरीके से होता है और जो भी डेटा रहता है वो किस तरीके से स्टोर रहता है उसके एड्रेस के थ्रू, तो सारा आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद एलोकेशन क्या होता है, मतलब किसी भी तरीके के डेटा को जब मेमोरी मिलती है तो वो एलोकेशन कहा जाता है। एलोकेशन मतलब क्या हो जाता है, किसी भी तरीके के डेटा को आप मेमोरी में स्टोर करवाते हो, ठीक है, तो जहाँ से उस डेटा को वैल्यू मिलती है उसे एलोकेशन यहाँ पे कहा जाता है। फिर यहाँ पे तीन तरीके के एलोकेशन दिए गए, तो स्टैटिक के अंदर जो भी एलोकेशन रहता है ऑलवेज जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर एक हीप, हीप क्या करता है, उसका नेक्स्ट जो भी डेटा रहता है उसको एक्सेस करता है, मतलब उसके लिए नेक्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया गया है, वेरिएबल का यूज़ किया गया है। उसके बाद एक स्टैक स्टार्ट एट द अदर एंड ऑफ मेमोरी, मतलब जब आपकी एक मेमोरी खत्म हो जाएगी उसके बाद ही आपकी दूसरी मेमोरी यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब स्टैक के अंदर इस तरीके से डेटा को स्टोर किया जाता है। उसके बाद द स्टैक एंड द हीप ग्रो टूवर्ड ईच अदर, मतलब स्टैक और हीप है वो दोनों अपने आप से या एक दूसरे को ग्रो करवा सकें, मतलब उसके अंदर जिस तरीके से भी डेटा आ रहा है, ठीक है, जितना भी डेटा आ रहा है या जिस तरीके का भी आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो स्टैक और हीप अपने आप को ग्रो मतलब बढ़ा सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, ठीक है। पर स्टैटिक के अंदर जो भी डेटा आपको मिल रहा है वो एक ही तरीके का डेटा मिलेगा, उसके अंदर दूसरा डेटा आप स्टोर कराओगे तो क्या हो जाएगा, पुराना डेटा प्रीवियस डेटा उसको वो रिमूव कर देगा, ठीक है। द मेमरी मैनेजर कीप्स द स्टैक एंड हीप फ्रॉम द मीटिंग, मतलब जब भी मेमोरी मैनेजर रहता है वो स्टैक और हीप को मैनेज करता रहता है अपने हिसाब से। प्लीज एक्सप्लेन वाई स्टैक एड्रेस इज डिक्रीज एज अ एलिमेंट आर एडेड टू द स्टैक, मतलब जैसे उसके अंदर से एलिमेंट कम होते जाएंगे तो उसके एड्रेस भी वहाँ से कम होते जाएंगे, और हीप के अंदर भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर कौन सा डेटा रहता है उसको भी वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेशन के अंदर स्टैक और हीप ऑटोमेटिकली क्या होता है कि अपने हिसाब से अपने जो भी उसको डेटा मिल रहा है उसके हिसाब से अपना डेटा बढ़ा अपनी स्केलेबिलिटी बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो ऑटोमेटिकली, ठीक है, जबकि ये फीचर स्टैटिक के अंदर नहीं रहता, ठीक है। तो ये मेमोरी एलोकेशन होता है, मेमोरी एलोकेशन मतलब किसी भी तरीके का जो भी डेटा मिल रहा है उसको किस तरीके से हीप और स्टैक के अंदर स्टोर किया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो ये क्या था कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, और इसकी एलोकेशन थी। उसके बाद है कि स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी के अंदर क्या डिफरेंसेस रहता है, ठीक है, वो वन टाइप ऑफ एक बहुत सारे
लैंग्वेज के अंदर भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपको दिया गया है, ठीक है। जो भी प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं वही कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम डीसीओ के अंदर भी। तो ये लिखा हुआ है कि मेमोरी एलोकेशन इज अ प्रोसेस बाई विच कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सर्विसेज आर असाइंड विथ फिजिकल और वर्चुअल मेमोरी स्पेस। मतलब किसी भी तरीके का जो भी हमारे पास डेटा प्रोग्राम के द्वारा हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्टोर करवाते हैं कंपाइलर के अंदर, वो फिजिकली जब भी हार्डवेयर को मिलता है, स्टोर करवाता है उस डेटा को या वैल्यू को, तो उसे यहाँ पे क्या बोला जाता है, उस कॉन्सेप्ट को मेमोरी एलोकेशन बोला जाता है, ठीक है। मतलब उस वेरिएबल को यहाँ पे डेटा मिला और डेटा हमने फिजिकल भी स्टोर करवाया। फिर एक द मेमोरी एलोकेशन इज डन इधर बिफोर और एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब मेमोरी एलोकेशन मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी तरीके के डेटा को जब उसका एग्जीक्यूशन चालू होता है उस टाइम पर स्टोर करवा सकते हैं रन टाइम पर, या फिर उससे पहले भी हम स्टोर करवा सकते हैं। तो जब भी एग्जीक्यूशन से पहले डेटा स्टोर होता है उसे स्टेटिक बोला जाता है, और एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही हम डेटा को चेंज करते हैं या फिर उसको स्टोर करवाते हैं तो उसे डायनेमिक बोला जाता है। तो उसको फर्दर मेमोरी एलोकेशन को भी फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, उसको यहाँ पे कंपाइल टाइम और स्टेटिक मेमोरी एलोकेशन बोला जाता है, और दूसरा है रन टाइम और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी यहाँ पे उसे बोला जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो भी, ठीक है, तो पहले तो हम पढ़ लेते भाई स्टेटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, और उसके बाद एक कि रन टाइम और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले कंपाइल टाइम और स्टैटिक मेमोरी क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज एलोकेटेड फॉर डिक्लेयर वेरिएबल बाय कंपाइल टाइम, ठीक है। तो स्टैटिक मेमोरी के अंदर डेटा कब वेरिएबल कब स्टोर होता है, जब जब हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम, तो उससे पहले ही डेटा को कंपाइल करते हैं तो उस टाइम पर जो भी हमारा वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाती है, उसे स्टैटिक मतलब उसके अंदर मुझे चेंजेस करना हो तो चेंज नहीं कर सकता, वो फिक्स हो जाता है। फिर क्या है कि द एड्रेस कैन बी फाउंड यूजिंग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इट कैन बी असाइंड टू द पॉइंटर टी। मतलब जो भी हमारा डेटा रहता है, ठीक है, तो एड्रेस जो भी हमने वेरिएबल स्टोर करवाया है, जहाँ पर भी हमने स्टोर करवाया है, उस वेरिएबल का एड्रेस इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की मदद से हमें मिल जाएगा, मतलब सिस्टम को मिल जाएगा। उसके बाद क्या करता है कि जो भी उसका डेटा रहता है उस टाइम पे इस तरीके से एक्सेस उसको कर सकते हैं कंपाइल टाइम पे, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, द मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, मतलब उस वेरिएबल को हम मेमोरी दे रहे हैं कंपाइल टाइम पे, मतलब कंपाइल टाइम पे जब भी हम मेमोरी दे रहे हैं तो उसे यहाँ पे स्टेटिक मेमोरी एलोकेशन बोला जाता है। उसके बाद एक कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेशन इज डन एट अ टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब जब भी हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं उसी टाइम पे उस वे डेटा को जब भी मेमोरी मिलती है तो उसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहा जाता है, ठीक है। जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करते हैं उसी टाइम पे उस वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी, ठीक है, तो उसे यहाँ पे कहा जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो उसके लिए हमें फंक्शंस के यूज करने पड़ेंगे, वो फंक्शन इन लोगों ने ऑलरेडी दिए हुए हैं। उस फंक्शन कौन कौन से फंक्शन है, तो मेलोक एंड कैलोक सपोर्ट अलोकेटिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मतलब जिस तरीके का आप डेटा वहाँ पे दे रहे हो तो उस हिसाब से उस डेटा को अपने हिसाब से स्केलेबल मतलब बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, ठीक है। मतलब रन टाइम पर वो डिसाइड करता है कि कौन सी मेमोरी मुझे किस वेरिएबल को देनी है, ठीक है। तो उसे यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मतलब वो रन टाइम पर डिसाइड करता है, इसे यहाँ पे इसलिए इसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। फिर लिखा है कि इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन द स्पेस इज एलोकेटेड बाय यूजिंग दिस फंक्शन, मतलब जो भी वेरिएबल आपके पास है उसको मेमोरी इन दोनों फंक्शन की मदद से दी जाती है, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन क्या करते हैं कि जब भी आप किसी भी तरीके की वेरिएबल को मेमोरी देते हो तो उस वेरिएबल
को कौन सी जगह पे स्टोर करवाया मेमोरी के अंदर, उस मेमोरी का एड्रेस वापस इसी फंक्शन के अंदर स्टोर होने के बाद आपको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना होता है, ताकि हमें पता चलेगा कि हमारा जो लास्ट वेरिएबल है वो कहाँ पर हमने स्टोर करवाया। और उस वेरिएबल को स्टोर करवाने के लिए हमें यहाँ पे पॉइंटर नाम के कॉन्सेप्ट का यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब वो एक ही टाइम पर एक ही एड्रेस आपको पॉइंट करेगा, उससे पहले वाला नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसकी चेनिंग बनी रहेगी तो एक पॉइंटर आपको मिल रहा है तो उसके बाद दूसरा पॉइंटर, तीसरा पॉइंटर भी आपको डायनेमिकली सिक्वेंशियल फॉर्म में मिल जाता है। इसलिए वो आपको जो भी डेटा आप स्टोर करवाते हो तो उसका फर्स्ट पॉइंटर और एंड पॉइंटर आपके पास रहता है, बीच में जो भी डेटा आपने स्टोर करा है उसका एड्रेस आपके पास नहीं रहता, वो डायनेमिकली आपको मिलता रहता है। तो उसे यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये पता चला कि स्टैटिक मतलब फिक्स हो जाता है और डायनेमिक मतलब रन टाइम पर वो डिसाइड करता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, वो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट नोट डाउन किए हुए हैं तो उसके बारे में पढ़ लेते। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि स्टैटिक के अंदर, इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वेरिएबल गेट एलोकेटेड परमानेंटली, मतलब जो भी वेरिएबल, जो भी डेटा उस वेरिएबल को दिया गया हो परमानेंटली रहता है। फिर यहाँ है कि इन द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वेरिएबल गेट अलोकेटेड ओनली इफ योर प्रोग्राम यूनिट गेट एक्टिव, मतलब जब भी आपका प्रोग्राम की जो भी फंक्शनलिटी हो एक्टिव होगी, ठीक है, तभी उस यूनिट को डेटा मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर एक कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज डन बिफोर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब जो भी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है, मेमोरी वेरिएबल को जो भी डेटा स्टोर करवाना रहता है वो सारा कब होता है कि एग्जीक्यूशन उसकी जब भी स्टार्ट होती है उससे पहले ही हो चुकी होती है, तो वो सारा डेटा उसे बोलते हैं यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कब होती है, जब उसकी एग्जीक्यूशन चालू होती है तभी उसी टाइम पर वो वेरिएबल बनाता है, तो उसे यहाँ पे बोला जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, उसके बाद है कि इट यूज अ स्टैक फॉर मैनेजिंग मैनेजिंग द स्टैटिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है उसको मैनेज करने के लिए स्टैक कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे किया जाता है, जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, हीप मेमोरी का यूज़ यहाँ पे किया जाता है, मतलब हीप कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो स्टैटिक इन दी इट इज़ अ लेस इफिशियंट, मतलब ये बहुत अच्छे से आपको काम नहीं देता, जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ने बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा आपको काम दे सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक कि इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन देयर इज़ अ नो मेमोरी रीयूजेबिलिटी, मतलब स्टैटिक मेमोरी के अंदर आप मेमोरी को वापस से यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देयर इज अ मेमोरी रीयूजेबिलिटी एंड मेमोरी कैन बी फ्रीड व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जब उसकी ज़रूरत नहीं रहती तब वो मेमोरी को फ्री कर देता है और वापस से आप उस मेमोरी को यूज़ कर सकते हो, मतलब एक ही मेमोरी को आप बार बार यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है कि इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वंस अ मेमोरी इज अलोकेटेड, मतलब जब भी उसको मेमोरी दी जाती है उसके बाद उसकी साइज चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने किसी भी तरीके के डेटा को स्टैटिक के अंदर मतलब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की मदद से डेटा स्टोर करवाया है, तो उसके बाद उसकी साइज, मुझे डेटा उसके अंदर बढ़ाना है, तो उसकी साइज स्टैटिक की मदद से हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर हम एक बार हमने वेरिएबल को स्टोर करवा दिया, फिर मुझे उसके अंदर बहुत सारा और डेटा ऐड करवाना है, तो उसकी मेमोरी वो डायनेमिकली अपने आप से बढ़ा सकता है जितना भी आप डेटा उसको दोगे, मतलब रीसाइज आप करवा सकते हो। तो उसके लिए भी एक अलग से फंक्शन होता है रीसाइज नाम का। ठीक है, जैसे मैलोक कैलोक होता है वैसे ही यहाँ पे यूज होता है रीसाइज नाम के कॉन्सेप्ट फंक्शन की मदद से उस डेटा की मेमोरी को आप बढ़ा सकते हो, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो ये बेनिफिट्स हो जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के। उसके बाद एक कि इन दिस मेमोरी एलोकेशन स्कीम वी कैन नॉट रीयूज द अनयूज मेमोरी, मतलब हमारे पास बाद में जो भी मतलब, या फिर हम स्टैटिक के अंदर ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास पांच नाम की एक वैल्यू पड़ी है, पांच हमारी एक वैल्यू है, उसे मुझे स्टोर करना है, तो उसके बाद तो उसके बहुत सारे बाइट्स है वो बाकी रह जाते हैं ना, तो उसको हम वापस से यूज नहीं कर सकते,
जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि जितनी मेमोरी उसको रिक्वायर्ड है उतनी वो रोकता है, अपने आप ही डिसाइड कर लेता है कि तो उसको कितना डेटा की या कितने बाइट की ज़रूरत पड़ने वाली है या कितने बिट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो खुद से ही उतने ही बाइट या बिट रोकता है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा वो बाइट और बिट रोकता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है कि अपने आप से वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस अलाउ री यूजिंग मेमरी, द यूजर कैन एलोकेट अ मोर मेमरी वैन रिक्वायर्ड, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा मेमरी की तब उसको रिक्वायर्ड मतलब बढ़ा सकता है। ऑल्सो यूजर कैन रिलीज द मेमरी वैन, इसकी ज़रूरत नहीं होगी तब मेमरी को वो फ्री भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया कि इन दीज मेमोरी एलोकेशन की एग्जीक्यूशन इज फास्टर देन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि इसके अंदर जो भी डेटा रहता है वो फिक्स रहता है, उसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए जो भी इसके अंदर एग्जीक्यूशन रहती है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में बहुत ही फास्ट होती है, जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर एग्जीक्यूशन स्लोअर हो जाती है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के बेस पे। फिर है कि इन दिस मेमोरी इज अलोकेटेड एट अ कंपाइल टाइम, मतलब इसके अंदर जो भी डेटा है उसको मेमोरी कब दी जाती है, जब उसकी कंपाइल की जाती है उससे पहले की जाती है। फिर जहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर उसको जब रन किया जाता है प्रोग्राम, तो उसी टाइम पे उस वेरिएबल को मेमोरी मिलती है। फिर यहाँ पे इन दिस अलोकेटेड मेमोरी रिमेन्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द प्रोग्राम, मतलब ये जो भी मेमोरी रहती है वो फिक्स रहती है स्टार्ट से एंड तक, जब तक आपका प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक। फिर है कि इन दिस अलोकेटेड मेमोरी कैन बी रिलीज एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे किसी भी पॉइंट पे वो मेमोरी को रिलीज कर सकता है जब आप चाहोगे तब, या फिर बढ़ा भी सकता है, ठीक है। तो ये अपने आप से खुद से डिसाइड करता रहता है। फिर यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी की जो भी जनरली हम यूज़ करते हैं उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है एरे, जो भी हम एरे यूज़ करते हैं वो क्या होता है फिक्स होता है, उसके अंदर मैम रैम होती है डेटा रहता है वो सारा का सारा फिक्स रहता है, ठीक है। जो भी हमने फ्लोट दे दिया तो फ्लोट टाइप का ही सारा के सारा डेटा, अगर मैं उसके अंदर कैरेक्टर भी डालूंगा या इंटीजर भी डालूंगा तो फिक्स रहता है वो चेंज नहीं होता, जबकि इसके अंदर मैं कैरेक्टर डालूंगा तो 1 बाइट ले लेगा, फ्लोट डालूंगा तो 2 बाइट ले लेगा, अपने आप ही डिसाइड कर लेता है। उसके लिए एग्जाम्पल बेस्ट दी गई यहाँ पे लिंक लिस्ट, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिंक लिस्ट है, और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे एरे है, ठीक है। और उसके अंदर कॉन्सेप्ट किस तरीके का यूज़ किया जाता है, स्टैटिक के अंदर स्टैक का और डायनेमिक के अंदर हिप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है डेटा या मेमोरी को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी डिफरेंसेस थी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मतलब किस तरीके से उसको डेटा मिलेगा, मिलेगा तो किस तरीके से वो एक्सेस कर सकता है, उसके अंदर किस तरीके का डेटा हम चेंज कर सकते हैं रिसाइज कर सकते हैं, सारी प्रोसेस यहाँ पे आपको दी गई है। तो ये स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन थी। उसके बाद हमारे पास नया टॉपिक आ जाता है कैच मेमोरी, ठीक है। तो कैच क्या होता है कि रीड ओनली मेमोरी, तो उसको यहाँ पे किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया कि कैच मेमोरी तो पहले होती क्या है वो आपको बता दे, ठीक है। तो कैच मेमोरी इज अ स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमोरी, मतलब इसके अंदर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ थोड़ा सा ही डेटा स्टोर करवा सकते हो, पर इसके अंदर जो भी डेटा रहता है उसको आप सिर्फ रीड ही कर सकते हो, उसके अंदर चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर लिखा है कि इट इज़ यूज्ड टू स्पीड अप एंड सिंक्रोनाइजिंग विथ हाई स्पीड सीपीयू, मतलब सीपीयू के साथ उसको हाई स्पीड पे और अटैच किया जाता है सीपीयू के साथ, मतलब सिंक्रोनाइजिंग विथ हाई स्पीड सीपीयू, सीपीयू के साथ उसका कनेक्शन हर बार होता है, जो भी प्रोसेस आप करवाते हो उसके साथ उसकी टाइमिंग जो रहती है उसका सिंक्रोनाइजिंग रहता है। कैच मेमोरी इज कॉस्टलियर देन मेन मेमोरी, मतलब कैच मेमोरी बहुत ही महंगी है हमारी जो रैम रहती है उसके साथ ही, ठीक है, मेन मेमोरी से भी ज़्यादा महंगी है। और डिस्क मेमोरी बट इकोनॉमिकली देन सीपीयू इज रजिस्टर, मतलब सीपीयू से तो बहुत ही कम रहती है पर मेन मेमोरी और डिस्क मेमोरी से बहुत ही ज़्यादा उसकी प्राइस यहाँ पे रहती है। फिर एक ही कैच मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी, एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप डेट एक्ट्स एज अ बफर
बिटवीन रैम एंड द सीपीयू, मतलब कैच मेमोरी के बीच में जो भी हम डेटा स्टोर करवाते हैं, ठीक है, वो सारा डेटा बहुत ही फास्ट, मतलब एक्सट्रीमली फास्ट वे से डेटा को एक्सेस करता है और उसको बफर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करके हमें दे देता है, रैम और सीपीयू के बीच में जो भी प्रोसेस हो रही है उन दोनों में से। फिर एक कि इट होल्ड फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा, मतलब जो भी उसको डेटा मिलता रहता है उसको हर बार वो होल्ड करके रखता है। एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी उसको इंस्ट्रक्शन और डेटा मिलता है उसको स्टोर करता है हर बार, ताकि हमारी जो भी प्रोसेस करने वाली हो, प्रोसेस करनी है आगे सीपीयू के साथ, उसको डेटा दिया जा सके। ठीक है, तो सीपीयू से भी फास्ट है हमारी कैच मेमोरी। कैच मेमोरी का काम ही होता है जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन और डेटा रहता है उसको होल्ड करवाना और उसको एक साइकिल के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। फिर एक कैच मेमोरी इज यूज टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी में से जब भी वो डेटा को एक्सेस करता है या फिर निकालता है, तो उस टाइम पे कैच मेमोरी की जो भी टाइम रहती है एवरेज टाइम, वो बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है, डेटा लाने या ले जाने के लिए। फिर एक कैच इज स्मॉलर एंड फास्टर मेमोरी विच स्टोर कॉपीज ऑफ डेटा फ्रॉम फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेन मेमोरी लोकेशन, मतलब जो भी हमारी मेन मेमोरी रहती है, रैम रहती है, उसके अंदर जो भी डेटा रहता है, ठीक है, उसको एक कॉपी के फॉर्म में ऑलवेज स्टोर करके रखता है। मतलब जब भी आप किसी भी तरीके के डेटा को ओपन करते हो तो रैम के अंदर उसकी कॉपी बन जाती है और उसको ओपन करके वो आपको दे देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कैच की मदद से आपका जो भी डेटा है वो डेटा एक कॉपी के फॉर्म में रैम के अंदर बनाता है और उसको ही आपको प्रिंट करके वो दे देता है, ताकि आपकी जो ओरिजिनल फाइल है उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना हो जब तक आप चेंज नहीं करते। ठीक है, फिर ये देयर आर वेरियस डिफरेंट इंडिपेंडेंट कैच इन सीपीयू, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के कैचेस यूज किए जाते हैं इन सीपीयू के अंदर डेटा को स्टोर और इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी कैच मेमोरी थी। तो कैच मेमोरी का मेन यूज हमारी जो भी प्रोसेस हो रही है सीपीयू के साथ, उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसके डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, उस फाइल को ओपन करने के लिए, और उसका जो टाइम रहता है वो बहुत ही कम कर देता है, उसके लिए यूज किया जाता है कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी रैम से भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, पर उसका एवरेज टाइम फास्ट होता है, उसकी जो स्टार्टअप होती है वो फास्ट नहीं रहती, क्योंकि उसके अंदर जब भी हम हार्ड डिस्क में से डेटा लाते हैं तो बहुत ही बल्क में डेटा लाते हैं, तो उस बल्क में डेटा लाते हैं जब, तब उसका एवरेज टाइम बहुत ही स्पीड टाइम कम होता है, पर उसके धीरे धीरे उसकी स्पीड ग्रिप बढ़ती रहती है, तो इस हिसाब से उसका एवरेज टाइम कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो इसी वजह से कैच मेमोरी बहुत ही ज़्यादा यूज होती है। तो उसके बाद कैच मेमोरी के भी फर्दर डिवाइड्स है, चार पार्ट्स के अंदर, चार लेवल के अंदर उसको अलग अलग किया गया। जैसे मैंने अब यहाँ पे आपको बताया, देर आर वेरियस डिफरेंट इंडिपेंडेंट कैच, मतलब अलग अलग तरीके की बहुत सारी कैचेस होती है जो सीपीयू के हिसाब से यूज होती रहती है। तो उसके चार फर्दर पार्ट यहाँ पे अलग अलग किए गए। तो फर्स्ट पार्ट है कि लेवल 1 और रजिस्टर, मतलब लेवल 1 को यहाँ पे रजिस्टर भी कहा जाता है। तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें रहती है, तो इट इज टाइप ऑफ मेमोरी इन विच डेटा इज स्टोर्ड एंड एक्सेप्टेड, डेटा इमिडिएटली स्टोर्ड इन सीपीयू, मतलब सीपीयू के अंदर मुझे कभी भी इमिडिएटली डेटा को स्टोर या एक्सेप्ट करना होता है तभी रजिस्टर का यूज यहाँ पे किया जाता है। तो रजिस्टर कौन कौन से तरीके के होते हैं, तो मोस्ट कॉमनली यूज रजिस्टर इज एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, तो इन तीन तरीके के रजिस्टर को हमें यहाँ पे यूज करना होता है। ठीक है, और दूसरा लेवल यहाँ पे दिया गया है कि कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी के अंदर क्या होता है कि इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी विच हैज फास्टर एक्सेस टाइम वेयर डेटा इज टेम्पररीली, जब भी हमें डेटा टेम्पररीली स्टोर करना होता है तब हम कैच मेमोरी का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि लेवल 3 मेन मेमोरी। इट इज अ मेन मेमोरी ऑन विच कंप्यूटर वर्क करंटली, मतलब जो भी हमारी कंप्यूटर रहती है वो करंटली इस सिस्टम, मतलब मेन मेमोरी के बेस पे ही वर्क होती है। इट इज अ स्मॉल इन साइज एंड वंस द पावर इज ऑफ ऑल डेटा इज लूज, मतलब जब भी हम डेटा, हमारा जो भी पीसी रहता है वो बंद होता है तब उसके अंदर जो भी डेटा रहता है, जब पीसी बंद होता है तब सारा डेटा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी मेन मेमोरी होती है। तो कैच के साथ, मतलब मेन मेमोरी के साथ भी कैच यूज होती है, कैच के साथ भी
हम टेम्पररी डेटा को स्टोर करवाने के लिए कैच का यूज़ करते हो, और जो भी हमारा काम प्रोग्राम काउंटर है कितनी उसके अंदर प्रोसेस हो रही है, कितनी प्रोसेस बाकी है, तो वो सारा स्टोर करने के लिए भी रजिस्टर की यूज़ होती है, उसके लिए भी हमें कैच मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। और चौथा टाइप से फोर लेवल है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी मतलब क्या होगी, हमारे रोम जिसके अंदर परमानेंटली हम डेटा स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज एक्सटर्नल मेमोरी विच इज नॉट फास्ट एज मेन मेमोरी बट डेटा स्टे परमानेंटली इन दिस मेमोरी। मतलब जो भी डेटा हमारा रहता है वो कैच मेमोरी की मदद से हम परमानेंटली हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उसका डायग्राम भी दिया गया है कि सीपीयू, फिर एक कैच मेमोरी जो डेटा लाने या ले जाने के लिए यूज होता है, या फिर प्राइमरी मेमोरी के साथ भी डायरेक्टली सीपीयू के साथ डेटा एक्सेस करवा सकते हो। ठीक है, फिर है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये चारों की चार मेमोरी को अलग अलग डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये लेवल्स हो गए कैच मेमोरी के। फिर कैच मेमोरी की परफॉर्मेंस, ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा था कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से यूज होती है। व्हेन प्रोसेसर नीड टू रीड एंड राइट लोकेशन इन मेमोरी, मतलब मेमोरी के अंदर हमें किसी भी तरीके के डेटा को रीड करना है या राइट करना है, तो पहले कैच मेमोरी के अंदर उस डेटा को फेच किया जाता है, चेक किया जाता है। इफ प्रोसेसर फाइंड डेट द मेमोरी लोकेशन इज इन द कैच, द कैच हिट हैज अकर्ड एंड डेटा इज रीड फ्रॉम द कैच। मतलब जब भी प्रोसेसर फाइंड करता है कि मेन मेमोरी की लोकेशन कहाँ से मुझे रीड करवाना है या फिर मुझे डेटा को राइट करना है, तो पहले वो क्या करता है कि कैच को पहले कॉल करता है, भाई ये डेटा हमारे पास कैच के अंदर पड़ा है कि नहीं पड़ा, उसके बाद ही प्रोसेसर आगे प्रोसेस करता है। उसके बाद है कि इफ द प्रोसेसर डज नॉट फाइंड द मेमोरी लोकेशन, मतलब प्रोसेसर जब मेमोरी लोकेशन फाइंड नहीं करता तो कैच के अंदर क्या आ जाता है कि मिस। ठीक है, कैच मिस हैज अकर्ड, और जब भी कैच मिच नाम का ये फंक्शन चलता है तो कैच के अंदर जो भी डेटा रहता है उसकी एक कॉपी बनी रहती है, उस कॉपी को वो प्रोसेसर को दे देता है। ठीक है, मतलब वो जो भी डेटा रहता है उस अलोकेट, मतलब जो भी कैच के अंदर डेटा अलोकेट किया गया है उसको न्यू एंट्री के फॉर्म में कॉपी बनाता है, उस कॉपी को प्रोसेसर के अंदर दे देता है। ठीक है, तो ये हमारी कैच की परफॉर्मेंस रहती है, मतलब कैच के थ्रू ही हमारा सारा डेटा आता है जाता है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, और बहुत ही हमारी जो मेन मेमोरी रहती है उससे भी ज़्यादा ये फास्ट रहती है। तो ये आज के लेक्चर के लिए इतना ही टॉपिक था, कैच मेमोरी क्या होती है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या रहती है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से बिहेव की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको और डीपली पढ़ना है तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से अच्छे पढ़ने के बाद आप इस टॉपिक वाइज आप नेट पे भी फाइंड कर सकते हो, ताकि आपको और ज़्यादा इसके अंदर पता चलेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना, ठीक है, सर्च करना, फाइंड आउट करना, बहुत अच्छे टॉपिक है इसके अंदर दिए हुए, हार्डवेयर के अंदर किस तरीके से हमें प्रोसेस होती है सारी, तो ये हमें बताया गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।